बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 75 आईपीएस का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, और अब ये लिस्ट भी आपको अब से कुछ ही देर में दिखाते हैं, जिनमें उन अधिकारियों के, उन आईपीएस ऑफिसर्स के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। बहरहाल नाम आपको बता दें, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहडा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर वर्तमान पद पर, तो वहीं अब अगर नवीन पद की बात करें तो महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर उनको लगाया गया है। और ऐसे ही और भी नाम हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, श्री जंगा श्रीनिवास राव, डॉक्टर प्रशाखा माथुर, श्री सुष्मित विश्वास, श्री दिनेश एमएन जिनका भी ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय जयपुर से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर में उनका तबादला किया गया है, यानी कि डॉक्टर रवि प्रकाश मेहडा की जगह उनको लगाया गया है। और ऐसे ही और भी नाम है, संजीव कुमार नर्जरी, श्री विशाल बंसल, श्री विपिन कुमार पांडे, आलोक कुमार वशिष्ठ, श्री पी राम जी, भूपेंद्र साहू, नवज्योति गोगई, उनको भी पुलिस महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक पुलिस मुख्यालय जयपुर लगाया गया है। श्री प्रफुल्ल कुमार, श्री एच जी राघवेंद्र सुहासा, श्री हिंगलाज दान, श्री विकास कुमार, श्री किशन सहाय मीणा, श्री राजेंद्र सिंह, श्री जय नारायण, श्री संदीप चौहान, अजय पाल लांबा, ये वो सब नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। 75 नामों की ये लिस्ट है, आईपीएस का तबादला किया गया है। और शिवेंद्र परमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये एक लंबी फहरिस्त आई है, लंबी तबादला लिस्ट आई है जिसमें 75 आईपीएस के नाम है। मेरा लंबे समय से इस तबादला सूची का इंतजार था और ये तय था कि जब भी आईपीएस की तबादला सूची निकलेगी, एक बड़ी तबादला सूची निकलेगी, तो 75 आईपीएस अधिकारियों का तबादला होना मायने रखता है। 75 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है और खास बात यह है कि सारे जो नाम है वो इस लिस्ट में इम्पोर्टेंट है। अगर हम पहले नाम पे चर्चा करें तो रवि प्रकाश मेहड़ा, जो कि पिछले 2-3 साल से एडीजी क्राइम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको वहां से शिफ्ट किया गया है और उनको डीजी सिविल राइट्स लगाया गया है। उनकी जगह पर उनको रिप्लेस किया है दिनेश एमएन ने, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। दिनेश एमएन जो कि एसीबी में प्रमुख चेहरा थे, कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों में खौफ था दिनेश एमएन से, उनको एसीबी से शिफ्ट करके पुलिस मुख्यालय लाया गया है। उन्होंने रवि प्रकाश मेहड़ा को शिफ्ट किया है। इसके अलावा जंगा श्रीनिवास राव, जो कि 3 साल से अधिक समय से आरएसी में एडीजी थे, उनको डीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में डिमोशन हुआ है गंगा श्रीनिवास राव का, उनको डीजी ट्रेनिंग लगाया गया है। डॉक्टर प्रशाखा माथुर, जो कि काफी समय से पुलिस मुख्यालय से बाहर थी, अभी तक वो मानवाधिकार आयोग में सदस्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी बतौर एडीजी, उनको एडीजी रूल्स और पुनर्गठन लगाया गया है। सुष्मित विश्वास, जो कि अभी तक एसडीआरएम में थे, उनको लगाया गया है मानवाधिकार आयोग में। और जो इम्पोर्टेंट नाम अब मैं आपको बताऊं, उनमें एक और महत्वपूर्ण नाम है पी राम जी का। पी राम जी अभी तक जोधपुर रेंज के आईजी थे, जिनको अब एडीजी लगाया गया है सिक्योरिटी में, यानी कि उनको पुलिस हेडक्वार्टर में लगाया गया है। इसके अलावा उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार का भी तबादला हुआ है, उनको उदयपुर से हटाकर क्राइम ब्रांच में लगाया गया है पुलिस मुख्यालय की। इसके अलावा हिंगलाज दान, जो कि उदयपुर से हटाए गए थे जब एसपी थे, हर गला काटने की घटना हुई थी, उनको लगाया गया है आईजी इंटेलिजेंस में। विकास कुमार, जो कि अभी तक एटीएस में आईजी थे, उनको लगाया गया है एससीआरबी में। इस सूची की एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरा कि जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को यथावत रखा गया है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी काफी समय से कि जयपुर पुलिस कमिश्नर का तबादला हो सकता है, लेकिन जयपुर पुलिस कमिश्नर को यथावत रखा गया है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एसपी बदले गए हैं। अब मैं एसपी की जो फेहरिस्त है वो दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि चुनावों से पहले एसपीओ का बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। देशमुख परेश अनिल, जो अभी तक
जयपुर उत्तर के एसपी थे, डीसीपी थे, उनको श्रीगंगानगर भेज दिया गया है। राजीव पचार जो जयपुर कमिश्नरेट में पूर्व के डीसीपी थे उनको जयपुर ग्रामीण लगाया गया है। मनोज कुमार, ये महत्वपूर्ण नाम है, मनोज कुमार जो के कमांडेंट थे सेकंड बटालियन आरएसी कोटा में। और मनोज कुमार मेगा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय उदयपुर में गला काटने की घटना हुई थी, कन्हैया लाल का जब गला कटा था तालिबानी स्टाइल में, उस समय मनोज कुमार एसपी उदयपुर थे, उनको वहां से हटाया गया था। लेकिन हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है और हमने कुछ दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि जो राजा केड़ा के विधायक हैं रोहित बोरा, उनकी डिजायर पर, उनकी सिफारिश पर मनोज कुमार को धौलपुर में एसपी लगाया गया है। और मनोज कुमार जो कांग्रेस की विधायक हैं रीता चौधरी, उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा आनंद शर्मा जो अभी तक श्रीगंगानगर में एसपी थे उनको अलवर में एसपी लगा दिया गया है। शरद चौधरी जो के पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी थे, इनको कोटा सिटी में एसपी लगाया है। ये खबर भी फर्स्ट इंडिया तकरीबन एक महीने पहले बता चुका था कि शरद चौधरी कोटा शहर के एसपी होंगे, उनके नाम पर शांति धारीवाल ने सहमति दे दी थी। राशि डोगरा जो कि डूंगरपुर में एसपी थी उनको जयपुर कमिश्नरेट में लाया गया है, उनको जयपुर शहर उत्तर में लगाया गया है। किरण केंग सिद्धू, ये महिला आईपीएस अधिकारी है, ये अब जालौर की एसपी होंगी। मेगा अभिजीत सिंह जो कि पुलिस अधीक्षक सीआईडी सुरक्षा में लगे हुए थे, इनकी फील्ड में वापसी हुई है, कुछ समय पहले इनको नॉन फील्ड किया गया था, अब जो अभिजीत सिंह है वो बांसवाड़ा के एसपी होंगे। शांतनु कुमार सिंह जो कि पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी थे, ये काफी समय से खुद भिवाड़ी से हटना चाहते थे, पारिवारिक समस्याएं थी शांतनु कुमार सिंह की, इनको एपीएस जयपुर में एसपी लगाया गया है। देवेंद्र कुमार बिश्नोई एसीबी में एसपी थे, बीकानेर भरतपुर में एसपी रह चुके थे, इनकी अच्छी वापसी हुई है, इनको डीसीबी ट्रैफिक लगाया गया है जयपुर में, देवेंद्र कुमार बिश्नोई को। तेजस्वनी गौतम जो की अलवर की एसपी थी, अलवर में लंबा उनका कार्यकाल रहा, अलवर में कई बड़ी घटनाएं हुई, उसके बावजूद सरकार ने भरोसा कायम रखा तेजस्वी गौतम पर और उनको एक और अच्छी पोस्टिंग मिली है अलवर से, उनको बीकानेर एसपी लगाया गया है। बीकानेर बड़ा जिला है, संभाग स्तर का जिला है। अनिल कुमार जो कि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ थे उनको पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी लगाया गया है। धर्मेंद्र सिंह जो कि एसपी धौलपुर थे, अच्छा काम कर रहे थे, अभी हाल ही में उन्होंने केशव गुर्जर गैंग का सफाया किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से धर्मेंद्र सिंह की धौलपुर से विदाई हुई है और उनको जोधपुर ग्रामीण में एसपी लगाया गया है। सुधीर चौधरी जो के राजसमंद के एसपी हैं उनको हनुमानगढ़ भेज दिया गया है। हर्षवर्धन अगरवाला जो कि जालौर में एसपी थे उनको सवाईमाधोपुर भेजा गया है। राजेश कुमार मीना जो बांसवाड़ा में एसपी थे उनको चूरू भेजा गया है। दिगत आनंद जो चूरू के एसपी थे उनको बाड़मेर भेजा गया है। राजसिंह राजवर्मा जो कि राज्यपाल के एडीसी थे उनको मेघा टोंक का एसपी लगाया गया है। विकास सागवान जो कि एडिशनल एसपी अजमेर से इनका प्रमोशन हो गया था उनको पुलिस अधीक्षक एसओजी राजस्थान में लगाया गया है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें अमित कुमार हैं जिनको के पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ लगाया गया है। कुंदन कवरिया हैं जिनको पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर लगाया गया है। मनीष त्रिपाठी जो कि टोंक में एसपी थे काफी समय से इनको नॉन फील्ड कर दिया गया है, ये एसपी इंटेलिजेंस होंगे। सुधीर जोशी जो कि आरएसी में भरतपुर थे और सुधीर चौधरी को हटाया गया था सीमावर्ती जिले से और उस समय इन पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि सुधीर जोशी को एक बार फिर फील्ड पोस्टिंग मिली है और उनको राजसमंद जैसा महत्वपूर्ण जिला मिला है। राजकुमार चौधरी उनको बारह में एसपी लगाया गया है। ज्ञानचंद्र यादव, ये महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ज्ञानचंद्र यादव का कुछ ही समय पहले प्रमोशन हुआ था, ये अभी तक सीएम सिक्योरिटी में थे, इनको डीसीपी पूर्व लगाया गया है जयपुर शहर में। करण शर्मा इनको भी अच्छी पोस्टिंग मिली है, इनका भी कुछ समय पहले प्रमोशन हुआ था, करण शर्मा अब एसपी सीकर होंगे। सीकर बहुत महत्वपूर्ण जिला है, खासकर गैंगवार गैंगस्टर इस तरीके की जो खबरें हैं सीकर से मेगा वो आती रहती है। राजू सेठ का जो हत्याकांड हुआ था वो भी आपको याद होगा, दर्शकों की याद में होगा कि वो सीकर में हुआ था। सुशील कुमार है इनको एडिशनल एसपी अजमेर लगाया गया है। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ये एडिशनल एसपी भरतपुर लगाई गई है, ये वो नाम है जो नए लोग हैं। हरिशंकर जो कि अभी तक एसीपी आईपीएस है एसीपी मानसरोवर थे इनको एसीपी बीकानेर लगा दिया गया है। सुमित मेहरा जो कि एपीओ थे इनको राज्यपाल का एडीसी लगा दिया गया है। ये पूरी सूची है, तो इस सूची की जो हाईलाइट है वो एक बार फिर मैं दर्शकों के लिए बताऊंगा कि दिनेश एमएन जो एसीबी का प्रमुख चेहरा थे वो एसीबी से हटाए गए हैं क्योंकि उनको काफी समय भी एसीबी में हो गया था, उनको पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अब शिवेंद्र उनकी जगह पे किसको लगाया गया है?
देखिए उनकी जगह अभी किसी का नाम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहां पर एक जो एडीजी है वो पहले से हैं, हालांकि उनके पास डीजी का चार्ज है हेमंत प्रियदर्शी, लेकिन उनकी जगह दिख नहीं रहा मेगा की किसी की पोस्टिंग हुई है। तो ये माना जाए कि दिनेश सेमैन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, हालांकि एसीबी में उनका जो कार्यकाल था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये पूरी सूची है, कई जिलों के एसपी बदले गए हैं और कई जिले ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक सिफारिशों से पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, खासकर धौलपुर, राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं बारह जहाँ पर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी उनकी सिफारिश के बाद पोस्टिंग हुई है। कुंवर राष्ट्रदीप भी एक महत्वपूर्ण नाम है इस लिस्ट में, जो पुलिस अधीक्षक सीकर थे, इनको अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पुलिस आयुक्तालय लगाया गया है। अजय पाल लांबा जो कि जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे थे, इनको उदयपुर का रेंज आईजी लगाया गया है। तो बड़ी तबादला सूची है, लंबे समय से इस सूची का इंतजार था मेगा, और एक बड़ा फेरबदल राजस्थान पुलिस में हुआ है जब 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। ठीक है, और ये जो अधिकारियों के नाम हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए। ये तस्वीर पर नाम और साथ ही साथ जो अब ट्रांसफर हुए हैं, तबादले हुए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे खास जो रहा वो दिनेश एमएन का तबादला रहा, क्योंकि अभी काफी टाइम से वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में थे और अब उनको अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर में लगाया गया है। और डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऋतुराज, 75 आईपीएस अधिकारियों की ये तबादला सूची सामने आई है। देखिए मेगा, जो अतिरिक्त महानिदेशक थे रवि प्रकाश मेहरडा और जंगा श्रीनिवास राव, अब वो महानिदेशक बन गए हैं और साथ ही साथ इनको पुलिस सिविल राइट्स में जो मेहरडा को वहाँ पोस्टिंग दी गई है, तो पुलिस प्रशिक्षण में महानिदेशक बनाया गया है जंगा श्रीनिवास राव। बाकी ये पूरी जो सूची है उसमें ये बहुत प्रतीक्षित सूची थी, लेकिन जो इसमें बड़ा नाम हम कह सकते हैं वो दिनेश एमएन का है, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में काफी समय से अच्छी सेवाएं दे रहे थे, अब इन्हें अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा पुलिस में लगाया गया है। तो एसीबी से एक लंबी पारी खेलने के बाद दिनेश एमएन की यहां पर विदाई हुई है, और जब एडीजी हेमंत प्रियदर्शी जो कि सीनियर थे उनको जब डीजी का चार्ज दिया था उसके बाद से ये विदाई अहम मानी जा रही है, और इसके बाद अब वो अपराध शाखा में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव और हम कह सकते हैं चौंकाने वाला भी बदलाव मान सकते हैं। इसी तरह जो करीब 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 हम देखें इस पूरी सूची को, तो 18 जिले या जिला क्षेत्रों के एसपी बदले गए हैं, और कुल एसपी की बात करें तो ये संख्या 20 से भी ज्यादा होती है ये जो पूरी सूची है उसमें। और जो एपीओ को पोस्टिंग दी गई है वो 2 एपीओ को यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, जबकि जो राज्यपाल के परिसहाय बनाए गए हैं वो सुमित मेहरडा राज्यपाल के परिसहाय यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बीच विधानसभा सत्र में अभी तबादला सूची जारी हुई है, तो यह अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाती है और जनप्रतिनिधियों की राय को यहाँ पर अहमियत दी गई है। और इसमें जो विभिन्न जिले हैं जिनके एसपी बदले गए हैं वो खास तौर पे हम देख सकते हैं कि पूरी सूची में करीब 18 जिला या जिला क्षेत्र हैं जहां पर एसपी इधर उधर किए गए हैं, बदले गए हैं। तो यह एक बड़ी सूची है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं डीजी से लेके एडीजी, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी तबादले हुए हैं। तो 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। जयपुर ग्रामीण के एसपी अब डॉक्टर राजीव पचार होंगे, इसी तरह से धौलपुर के एसपी अब मनोज कुमार होंगे, अलवर के एसपी अब जो है अलवर के एसपी भी बदले गए हैं, पुलिस अधीक्षक गंगानगर बदले गए हैं, देशमुख परिस अनिल को यहां पर दिया गया है जी। तो इसी तरह से ये तमाम जो एसपी हैं करीब 18 जिला या जिला क्षेत्रों के हिसाब से बता देना चाहूंगा बदले गए। किरण के सिद्धू अब जालोर के एसपी होंगे, इसी तरह से अभिजीत सिंह अब बांसवाड़ा के एसपी होंगे। जो एटीएस में भी यहाँ पे बदलाव की कोशिश देखी गई है, जो आमूलचूल बदलाव है एटीएस जैसी शाखाओं में भी बदलाव की देखी गई है, और शांतनु कुमार सिंह को वहां पर पुलिस अधीक्षक के रूप में भेजा गया है, इसी तरह से तेजस्वनी गौतम को बीकानेर एसपी के रूप में भेजा गया है, भिवाड़ी एसपी के रूप में अनिल कुमार को
जिम्मेदारी दी गई है, तो जोधपुर ग्रामीण के एसपी के रूप में धर्मेंद्र सिंह को भेजा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज पूरी जानकारी के लिए।